हेलो फ्रेंड्स, जावा सीखने की सीरीज में आज हम देखेंगे मेन मेथड जो होता है वो प्री डिफाइंड होता है या यूजर डिफाइंड होता है। दोस्तों, सिर्फ जावा में नहीं, C++ में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि मेन फंक्शन जो होता है वो प्री डिफाइंड मेथड में, मतलब प्री डिफाइंड फंक्शन होता है या फिर यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। तो इस तरह जावा में भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ये मेन मेथड जो है प्री डिफाइंड है या यूजर डिफाइंड है। दोस्तों, कभी भी देखिए, कोई भी मतलब फ्रिक्वेंटली एज क्वेश्चन उठा ले, उसमें ये जरूर होगा कि मेन मेथड जो होता है प्री डिफाइंड या यूजर डिफाइंड होता है। उसके बाद इंटरव्यू में बहुत बार क्वेश्चन आता है और कॉन्सेप्चुअल टेस्ट में भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ और इसका आपको जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, उम्मीद करता हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें और कोई भी स्टेप जो है स्किप ना करें। और प्लीज़ वीडियो के एंड में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड को पहले उसको समझेंगे वो एक्चुअली में क्या होते हैं। दोस्तों, प्री डिफाइंड मेथड क्या होता है, जिसका मेथड सिग्नेचर, मतलब मेथड सिग्नेचर क्या कहते हैं, जैसे उसका मॉडिफायर हो गया, एक्सेस स्पेसिफायर हो गया, ठीक है, उसके साथ जैसे रिटर्न टाइप हो गया, मेथड का नेम हो गया, पैरामीटर लिस्ट हो गया। तो ये सब जो होता है जब सिस्टम के द्वारा डिफाइन किया गया होता है तो उसको हम प्री डिफाइंड मेथड कहते हैं, ठीक है। उसमें हम कुछ भी मतलब छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और यूजर डिफाइंड मेथड क्या होता है, जिसमें सब कुछ हम सेट करते हैं, जैसे होता है ना C++ में यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो इस तरह यूजर डिफाइंड मेथड्स होता है जिसको हम सेट करते हैं, उसका रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, उसका मॉडिफायर क्या होना चाहिए, उसका नाम क्या होना चाहिए, उसका पैरामीटर जो लिस्ट मतलब आर्गुमेंट्स होता है वो क्या होना चाहिए, ठीक है। तो उसको कहते हैं यूजर डिफाइंड मेथड। सपोज मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ आपको। जैसे रैपर क्लासेस में इंटीजर एक रैपर क्लास है, उस रैपर क्लास में एक मेथड है इस तरह का, पब्लिक स्टैटिक इंट, सॉरी, पार्स इंट, ठीक है। तो ये इस तरह का एक मेथड है और आर्गुमेंट क्या है, स्ट्रिंग डाटा, ठीक है। तो दोस्तों, इसको हम प्री डिफाइंड मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका काम जो है और काम के साथ इसका सिग्नेचर पहले से ही डिफाइन है, ठीक है। तो इसका सिग्नेचर क्या है, जैसे एक्सेस स्पेसिफायर हो गया, पब्लिक, मॉडिफायर हो गया, स्टैटिक, रिटर्न टाइप हो गया इंट मतलब इंटीजर टाइप, पार्स int मतलब एक मेथड का नेम है, इसको भी हम चेंज नहीं कर सकते, और आर्गुमेंट क्या लेता है, एक स्ट्रिंग डाटा लेता है। तो हम इसमें से किसी को भी मतलब छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ठीक है। और इसका काम क्या है, एक स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, यही है इसका काम। तो हम इसका जो वर्किंग होता है इसको भी हम चेंज नहीं कर सकते। हमें क्या करना है, जहाँ पे हमारी ज़रूरत होगी हम उसको डायरेक्टली लाके अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्री डिफाइंड मेथड। फिर यूजर डिफाइंड मेथड देखते हैं। सपोज जैसे हम एक मेथड लेते हैं, पब्लिक वॉइड int गेट रोल, ठीक है। तो मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ एक्सेसर मेथड का, जिसे हम म्यूटेटर मेथड भी कहते हैं या फिर सेटर गेटर मेथड भी कहते हैं, पब्लिक पब्लिक int, यहाँ पे होगा पब्लिक void सेट रोल int डाटा, ठीक है। तो ये पेयर ऑफ मेथड्स है। तो सबसे पहले इसको हम समझते हैं, यहाँ पे हम इसका एक्सेस स्पेसिफायर जो पब्लिक रखे हैं, मॉडिफायर नॉन स्टैटिक लिए, मेथड को नॉन स्टैटिक मेथड डिक्लेयर किए हैं, और रिटर्न टाइप जो है यहाँ पे हम इंटीजर रखे हैं, नाम इसका हम गेट रोल रखे हैं, हम चाह सक अगर हम चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। फिर इस नीचे वाले मेथड में भी हमने पब्लिक रखे, रिटर्न टाइप वॉइड रखा है, नाम को हमने सेट रोल रखा है, और यहाँ पे आर्गुमेंट में इंट डाटा रखा है। अगर हम चाहें तो इसको चेंज करके डबल या लॉन्ग कुछ भी कर सकते हैं, नाम को चेंज कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या होगा, मतलब नॉर्मली क्या होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, रोल को सेट करते हैं और यहाँ से रोल को रिटर्न करते हैं। अगर हम चाहें इसमें टू वैल्यू को ऐड कर सकते हैं या फिर कोई अलग काम भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे नॉर्मली होता है सम मेथड या फिर ऐड मेथड वगैरह जो भी हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स में यूज करते हैं। तो वो मेथड सब जो होता है वो यूजर डिफाइंड होता है, ठीक है। तो दोस्तों, अब यहाँ पे आर्गू ये होता है कि मेन मेथड जो होता है वो प्री डिफाइंड होता है या यूजर डिफाइंड होता है। देखिए, मेन मेथड को प्री डिफाइंड हम इसलिए कहा जाता है, इसलिए लोग सोचते हैं कि वो प्री डिफाइंड होगा, क्योंकि मेन मेथड में हम कुछ भी उसका चेंज नहीं कर सकते। जैसे मेन मेथड क्या होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ठीक है, स्ट्रिंग का एरे वहाँ पे पास होता है, ठीक है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते।
तो इसलिए हम उसको प्री डिफाइंड सोचते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, पहले से आपको दिखाता हूँ। जैसे वैलिड मेन मेथड सिग्नेचर क्या क्या है, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ये सारा का सारा मतलब वैलिड वैलिड सिग्नेचर है, हम इसमें कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो थ्री डॉट वाला, ये वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट है, ठीक है। तो इसके बारे में आगे बताऊंगा वीडियो में, ठीक है। तो अब बस इतना समझ लीजिए कि ये जितना भी सिग्नेचर ऊपर वाला है, ये सब का सब वैलिड सिग्नेचर है, ठीक है। और इनवैलिड मेन मेथड सिग्नेचर क्या है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको हम इनवैलिड सिग्नेचर क्यों कहते हैं दोस्तों, देखिए मेन मेथड जो होता है वो कभी भी नॉन स्टैटिक नहीं हो सकता। मगर मतलब ये हुआ कि मतलब मेन मेथड जो है स्टैटिक हमेशा होता है। वो स्टैटिक इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों मेन मेथड के लिए कोई भी इंस्टेंस क्रिएट नहीं होता, और JVM जो होता है वो डायरेक्टली उसको कॉल करता है, ठीक है, क्लास नेम के थ्रू उसको कॉल करता है। क्योंकि वो स्टैटिक मेथड होता है और स्टैटिक मेथड का हमें पता है कि वो क्लास नेम के द्वारा कॉल किया जाता है और उसका कोई भी इंस्टेंस क्रिएट नहीं होता, ठीक है। तो उसके लिए पहला मेथड, पहला सिग्नेचर जो यहाँ पे है, ये इसलिए करेक्ट है, इनकरेक्ट है, क्योंकि ये नॉन स्टैटिक नहीं हो सकता, ठीक है। तो फिर सेकंड वाले में स्टैटिक वॉइड मेन है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर जो यहाँ पे पब्लिक होना चाहिए। मेन मेथड का सिग्नेचर पब्लिक इसलिए है क्योंकि मेन मेथड को कॉल कौन करता है, JVM कॉल करता है, और JVM क्या है, वो क्लास मेंबर में से नहीं है, ठीक है। तो वो जो है आउटसाइड प्रोग्राम है, जब आउटसाइड प्रोग्राम कॉल करता है तो अगर पब्लिक स्पेसिफायर नहीं होगा तो क्लास के बाहर वो कॉल नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसलिए ये मेथड जो है इनवैलिड है, मतलब ये सिग्नेचर इनवैलिड है। फिर थर्ड वाला पब्लिक वॉइड स्टैटिक स्ट्रिंग args, दोस्तों ये मेथड जो इनवैलिड इसलिए है क्योंकि दोस्तों जो रिटर्न टाइप होता है, जैसे यहाँ पे स्टैटिक है, दोस्तों रिटर्न टाइप जो होता है हमेशा याद रखें, जो फंक्शन का नेम होता है उसके जो पहले आता है वही रिटर्न टाइप होता है। अब जितना भी यहाँ पे सिग्नेचर देखेंगे, जस्ट नेम के पहले जो अब कीवर्ड यूज करते हैं वो होता है रिटर्न टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैटिक लिखा हुआ है, लेकिन स्टैटिक जो है एक मॉडिफायर है, ठीक है, वो रिटर्न टाइप नहीं है, तो इसलिए ये इनवैलिड है। फिर यहाँ पर थर्ड है यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट, दोस्तों हमें पता है एब्स्ट्रैक्ट का जो होता है, दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो होता है वो हमेशा हमें पता है, जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन या फिर डिक्लेयर किया जाता है वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही किया जाता है, ठीक है। और उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो है कभी भी इंस्टेंसिएशन नहीं किया जाता, मतलब ऑब्जेक्ट कभी भी जो है क्रिएट नहीं किया जाता। लेकिन हमें पता है कि हम जिसमें मेन मेथड को जिस क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं हम उसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों ये मेथड भी जो है इनवैलिड है। तो दोस्तों मेथड सिग्नेचर जो है वो सिस्टम के द्वारा डिफाइन किया गया है, मतलब मेथड सिग्नेचर जो है प्री डिफाइंड है, लेकिन मेथड को अंदर जो वर्किंग है, हम मेन मेथड को बहुत सारे पर्पस में यूज करते हैं, उसके अंदर क्या लिखना है वो हमें डिसाइड करना है, ठीक है। सपोज जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए मेन मेथड के अंदर मैंने ये सब लिखा हुआ है, इसका वर्किंग अलग है। फिर और एक एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ, जैसे कोई मतलब प्रोग्राम में जैसे चाहते हैं हम वैसे मेन मेथड को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अगर हम चाहते हैं एक प्रोग्राम को चेंज करके दूसरा प्रोग्राम बना ले तो हम बना सकते हैं। तो मतलब मेन मेथड का जो वर्किंग होता है हम उसको चेंज कर देते हैं। तो इस तरह से मेन मेथड प्री डिफाइंड नहीं होता, लेकिन मेथड का सिग्नेचर जो होता है वो पहले से होता है, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली बात यही रहा कि मेन मेथड एक्चुअली प्री डिफाइंड है या यूजर डिफाइंड है। तो दोस्तों उसका आंसर ये है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप अच्छे से समझ लें, मेन मेथड प्री डिफाइंड नहीं होता, मेन मेथड इज प्री डिक्लेयर्ड, ठीक है। मेन मेथड प्री डिक्लेयर्ड इसलिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों जो मेथड हम प्री डिक्लेयर्ड कहते हैं उसका सिग्नेचर जो होता है वो पहले से डिक्लेयर किया गया होता है, ठीक है। मेन मेथड इज प्री डिक्लेयर बट यूजर डिफाइंड, ठीक है। तो मतलब सिग्नेचर जो है उसको हमें डिक्लेयर मतलब नहीं करना है, बट उसका वर्किंग जो है वो यूजर डिफाइन करता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे मिल सके और आप बेनिफिटेड हो, साथ ही हम भी बेनिफिट हो। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू ज़रूर दें, और कुछ भी डाउट्स हो रह गए हो तो उसको भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त को भी ये बात पता चले, प्लीज़ आप उनके साथ भी
इसको शेयर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक अलग क्वेश्चन के साथ, एक नई ट्रिक के साथ। बाय।